दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके चैनल नेक्स्ट एग्जाम क्रैक में स्वागत है। आज हम लोग कला, संस्कृत एवं पर्यटन उत्तर प्रदेश स्पेशल पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं पहले यूपी स्पेशल पर आधारित सारे प्रश्नों को कराऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यह आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या एक पे चलते हैं। प्रश्न संख्या एक ये कहता है, कर्माइकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, इसे ध्वस्त करने का कारण बताइए। कर्माइकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है, इसे ध्वस्त करने का कारण बताइए। तो इसका उत्तर है वाराणसी। कर्माइकल लाइब्रेरी वाराणसी में स्थित है तथा काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण की वजह से इसे ध्वस्त किया गया था। आपको याद होगा या समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में निर्माणाधीन काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तारीकरण के लिए शहर की पहली सार्वजनिक कर्माइकल लाइब्रेरी भवन गिराए जाने के मामले में फैसला सुनाया था, और इस फैसले के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने भवनों को तोड़ने का आदेश दिया था, जिसने विश्वनाथ मंदिर से गंगा घाट तक बनने वाले 25,000 वर्ग मीटर के विश्वनाथ कॉरिडोर का रास्ता साफ हो गया था। इस परियोजना पर 600 करोड़ रुपए आए और इस कॉरिडोर के अंतर्गत गंगा नदी के मणिकर्णिका घाट को ललिता घाट से जोड़ा जाएगा, यह भी याद रखिएगा। आपको याद होगा काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। तो इस पर भी प्रश्न आ सकता है, इस मंदिर के मुख्य देवता का नाम बताइए। तो इस मंदिर के मुख्य देवता आपके इसी उत्तर में ही छिपा है, विश्वनाथ। और विश्वनाथ भगवान शिव को कहते हैं। विश्वनाथ का मतलब होता है जो ब्रह्मांड का शासक हो। वाराणसी शहर को काशी भी कहा जाता है, इसीलिए इस मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो पे आते हैं, संगम वॉक, हेरिटेज वॉक और फूड वॉक उत्तर प्रदेश के किस शहर की महत्वपूर्ण परियोजना है। एक बार प्रश्न फिर से सुन लीजिए, संगम वॉक, हेरिटेज वॉक और फूड वॉक उत्तर प्रदेश के किस शहर की महत्वपूर्ण परियोजना है। तो उत्तर है प्रयागराज। ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा, प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने सांस्कृतिक आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संगम वॉक, हेरिटेज वॉक और फूड वॉक जैसी व्यापक परियोजना तैयार की। संगम वॉक के अंतर्गत पर्यटकों को संगम नोच के आसपास के धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व के स्थलों को टूरिस्ट गाइड की मदद से उन स्थलों का इतिहास और उनकी विशेषता बताने के लिए यह परियोजना लाई गई थी। आते हैं प्रश्न संख्या तीन पे। प्रश्न संख्या तीन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की आगरा सर्किल ने उत्तर प्रदेश के किस जिले के महत्वपूर्ण गांव को संरक्षित स्मारक बनाने का प्रावधान किया है। तो उत्तर है जिला बागपत, तहसील बड़ौत, और जो गांव का नाम है वो सादिकपुर सिनौली। सादिकपुर सिनौली याद रखिएगा, जिला बागपत, तहसील बड़ौत और सादिकपुर सिनौली गांव है, ठीक है। सिनौली है, सोनौली नहीं है, सिनौली है। भारतीय पुरातत्व संरक्षण की आगरा सर्किल ने उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद के सादिकपुर सिनौली को राष्ट्रीय महत्व का पुरातत्वीय स्थल घोषित करने की प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के बाद यह आगरा सर्किल का 267वां संरक्षित स्मारक बन जाएगा। यह प्रदेश के बागपत जिले के बड़ौत तहसील के सादिकपुर सिनौली महाभारत काल के उन 5 गांवों में से है जिसे पांडवों ने कौरवों से मांगा था। हाल ही में भारतीय पुरातत्व विभाग को यहां से 4,000 वर्ष पुरानी कब्रगाह, मृत शरीर के साथ ताबूत, चावल एवं दाल से भरे बर्तन, जानवरों की हड्डियां और अन्य सामान भी मिले हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आइए प्रश्न संख्या चार पे चलते हैं। प्रश्न संख्या चार, चांद खमरिया, याद रखिएगा, चांद खमरिया उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा क्यों। चांद खमरिया उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहा क्यों। तो चांद खमरिया प्रयागराज के मेजा, प्रयागराज से सटा मेजा तहसील के चांद खमरिया गांव में है, जो काले हिरन के लिए बहुत ही मशहूर जगह है और इसे इको टूरिज्म के तर्ज पर विकसित करने का प्रयास चल रहा है।
उत्तर प्रदेश के वन विभाग ने प्रयागराज के मेजा स्थित चाँद खमरिया को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है। ठीक है, योजना बनाई है। शासन की हरी झंडी मिलते ही इस क्षेत्र को पर्यटन के रूप में विकसित करने का काम शुरू कर दिया जाएगा। मेजा स्थित चाँद खमरिया ब्लैक बक यानी काले हिरन कंजर्वेशन के लिए भी मशहूर है, तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6, ठीक है, नहीं प्रश्न संख्या 5 छूट गया, प्रश्न संख्या 5 पे चलते हैं, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 5, वर्ष 2019 के कुंभ मेले के आयोजन की थीम एवं नारा क्या था? वर्ष 2019 के कुंभ मेले के आयोजन की थीम एवं नारा बताइए। तो थीम थी बच्चों, थीम थी इसकी सर्वसिद्धिप्रद कुंभ। सर्वसिद्धिप्रद कुंभ, इसका अर्थ है सर्व सिद्धि प्रद कुंभ, इसका अर्थ है सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने वाला, ठीक है। और इसकी जो टैगलाइन था, नारा था, वो दिव्य कुंभ भव्य कुंभ और चलो कुंभ चले था, ठीक है। तो 15 जनवरी से 4 मार्च 2019 तक प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। 48 दिनों तक चलने वाले, यह भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है कि कुंभ मेला 2019 में कितने दिनों तक चला, तो 48 दिनों तक चला था। तो 48 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 24 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम तट पर पूर्ण की डुबकी लगाई। और अब तक यह आयोजित होने वाले कुंभ के मेले में श्रद्धालुओं की संख्या जितना आंका गया था कि 15 करोड़ श्रद्धालु आएंगे, उससे दुगुना रहा, है ना। यानी यहाँ पर 24 करोड़ 10 लाख श्रद्धालुओं ने यहाँ पे स्नान किया। और सबसे ज़्यादा जो है मौनी अमावस्या 5 फरवरी को सर्वाधिक 5 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, तो याद रखिएगा ये कितना इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है प्रश्न संख्या 6, कुंभ 2019 में कितने विश्व रिकॉर्ड बने? तो कुंभ 2019 में 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे। पहला था 503 बसों का एक साथ संचालन करना, दूसरा था 7664 स्कूली बच्चों द्वारा हाथ से छपाई, और तीसरा था 10250 सफाई कर्मियों द्वारा एक साथ झाड़ू लगाना। तो ये 3 विश्व रिकॉर्ड बने थे कुंभ मेले में, तो याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। आते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 7 पे। कुंभ 2019 आयोजित होने से पहले वैचारिक कुंभ का आयोजन कितने जिलों में हुआ? कुंभ 2019 आयोजित होने से पहले वैचारिक कुंभ का आयोजन कितने जिलों में हुआ? तो उत्तर है 5 जिलों में हुआ। और उनकी थीम बताइए। तो लखनऊ में जो है हुआ था, तो वहां पे थीम थी युवा शक्ति। वाराणसी की थी सर्वसमावेशी भारतीय चिंतन। और प्रयागराज में था पर्यावरण। वृंदावन में मातृशक्ति। और अयोध्या में समरसता था। तो ये इम्पॉर्टेंट था, तो प्रश्न संख्या 7 भी हो गया आपका। प्रश्न संख्या 8 देखिए। 11 मार्च 2019 को पीएम द्वारा दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन प्रदेश में कहाँ किया गया? पुरातत्व दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान का उद्घाटन प्रदेश में कहाँ किया गया? तो उत्तर है ग्रेटर नोएडा। तो याद रखिएगा ग्रेटर नोएडा में किया गया था। प्रश्न संख्या 9 में आते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, अयोध्या दीपोत्सव 2018 गिनीज बुक में शामिल क्यों हुआ? तो इसका उत्तर है 6 नवंबर 2018 को धनतेरस के दिन सरयू नदी के तट पर, किस नदी के तट पर? सरयू नदी के तट पर 3 लाख से ज़्यादा दीपकों को एक साथ जलाया गया था, और इसीलिए इसे गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। तो ये प्रश्न संख्या 9 भी हो गया हमारा। आते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 10 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक समावेशी शहर 2025 में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं? संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक समावेशी शहर 2025 में शामिल उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। तो उत्तर है नोएडा और ग्रेटर नोएडा।
ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 इनिशिएटिव है ना, संयुक्त राष्ट्र इन शहरों को यूनिवर्सिटी सिटी का खिताब प्रदान करेगा। वैश्विक समावेशी शहरों के लिए दुनिया भर से 25 शहरों का चयन किया गया है। इस पहल का लक्ष्य 2025 तक इन शहरों को आदर्श शहरों के रूप में विकसित करना है जो समावेशी विकास लक्ष्यों के अनुकूल होंगे। गौरतलब है कि इन दोनों शहरों ने इस प्रतियोगिता में मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों को पछाड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है नोएडा और ग्रेटर नोएडा, है ना, याद रखना बहुत आसान है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं, प्रकाट्य उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया गया? प्रकाट्य उत्सव प्रदेश में कहाँ मनाया गया? तो उत्तर है मगहर में मनाया गया, कबीरदास जी की 500वीं पुण्यतिथि पर। 28 जून 2018 को 15वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संत कबीरदास के निर्वाण स्थली मगहर में प्रकाट्य उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मगहर स्थित कबीर की समाधि स्थल पर दर्शन किए और मगहर में 24 करोड़ की लागत से बनने वाली कबीर एकेडमी की आधारशिला रखी। जून 2018 में कबीरदास की 620वीं वर्षगांठ, याद रखिएगा 620वीं वर्षगांठ है, और 500वीं पुण्यतिथि मनाई गई थी। उसके बाद प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर किसे घोषित किया गया? हाल ही में यूनेस्को द्वारा संगीत का शहर किसे घोषित किया गया? तो वाराणसी को घोषित किया गया, ठीक है ना। विश्व संगीत दिवस 21 जून 2018 को, तो याद रखिएगा विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। तो 2018 को यूनेस्को ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी को संगीत का शहर यानी सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में मान्यता दी। यूनेस्को ने माना कि वाराणसी में एक संगीत विद्यालय, संगीत संस्कृति, गुरु शिष्य परंपरा और संगीत ज्ञान का पुरातन परंपरा है। यहाँ पे यहाँ गुलाब बाड़ी, बुढ़वा मंगल और रामलीला को 350 वर्षों से संरक्षण प्राप्त है। यूनेस्को विश्व विरासत सूची में वर्ष 2015 में इस शहर को क्रिएटिविटी सिटी के तौर पर राजस्थान के जयपुर को शामिल किया गया था। वाराणसी में बनारस घराने के नाम से एक संगीत परंपरा है। होरी, चैती, टप्पा, दादरा यहाँ की प्रमुख शैलियाँ हैं। आते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, प्रश्न संख्या 13 है, चंबल एवं आभासी प्रायोगिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? फिर से प्रश्न सुन लीजिए, चंबल एवं आभासी प्रायोगिक संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो इटावा में किया गया है, यानी चंबल का इटावा में है और आभासी प्रायोगिक संग्रहालय वाराणसी में किया गया है, ठीक है। मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी स्थित मान महल में आभासी अनुभूति संग्रहालय का उद्घाटन किया और इसका मकसद है कि धर्म, कला और संस्कृति का आभासी तौर पर संक्षिप्त परिचय कराया जाए। और चंबल संग्रहालय जो है ये इटावा शहर के चौगुर्जी मोहल्ले में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय की स्थापना का उद्देश्य दस्यु समस्या के लिए बदनाम रही चंबल घाटी की सकारात्मक छवि को देश दुनिया के सामने लाना है। चंबल की बहुमूल्य विरासत को समेटी इस अनूठे संग्रहालय में 17वीं शताब्दी से लेकर अब तक की लगभग 20,000 पुस्तकें, पत्रिकाओं और दुर्लभ दस्तावेजों को सजाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ ये सेगमेंट आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए, आपके अपने चैनल से बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।